नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का बल्ला भले ही अभी तक खामोश रहा हो, लेकिन विकेट कीपिंग के मामले में वह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। जोहान्सनबर्ग के दूसरे दिन के टेस्ट मैच में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने एक स्पेशल सेंचुरी जड़ दी है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल मंगलवार को ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर अपने 100 कैच पूरे किए थे। ऐसा करने वाले वे चौथे भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं और स्पेशल क्लब में भी शामिल हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि 100 कैच लेने में ऋषभ पंत ने सिर्फ 27 मैच ही खेले हैं, जो किसी भी भारतीय के लिए एक रिकॉर्ड है। इस मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ा है, जिनको 100 कैच लपकने में 40 मैच लग गए थे। शार्दुल ठाकुर की बॉल पर जब ऋषभ पंत ने लुंगी अंगड़ी का कैच लिया, तब वह उनका 100वां कैच था। इससे पिछले मैच में उन्होंने अपने कुल 100 शिकार पूरे किए थे। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायर होने के बाद ऋषभ पंत को ही उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग पर लगातार सवाल खड़े होते थे। हालांकि पिछले 2 साल में बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत ने शानदार काम किया है, साथ ही बल्ले से भी वह अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन अगर पिछली 12-13 पारियों को देखें तो ऋषभ पंत पूरी तरह से फेल नजर आए हैं और सिर्फ 250 के आसपास ही कुल रन बना पाए हैं। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं बल्कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी ऋषभ पंत अब भारत के मेन विकेट कीपर हैं। ऐसे ही खेल की दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।